नारा साहिब में किया जा रहा है जितनी भजनों का, जो कि आज का ये प्रोग्राम समापन की ओर है, तो मेरी तरफ से आप अंतिम गीत सुने और उसके बाद प्रोग्राम का समापन। इसके गायक कलाकार विष्णु ब्रजवासी मथुरा क्षेत्र से, और जो हारमोनियम पर प्लेइंग कर रहे हैं हमारे अमर सिंह भाई, और जो मीठी मीठी ढोलक की झनकार दिखा रहे हैं पवन भाई खंडौली आगरा उत्तर प्रदेश से, और जो हमें ऑडियो वीडियो के द्वारा पहुंचाएंगे पीके सुपर स्टूडियो आगरा उत्तर प्रदेश से, आइए भजनों का आनंद लेते हैं। जय देखिए एक अंतिम गीत देशभक्ति गीत आपके बीच में रख रहा हूं, उसके बाद कार्यक्रम का समापन सभी लोग सुनेंगे। कहा किसी फिल्मी दुनिया वाले ने लक्ष्मण चाचा जी, रूप सिंह भैया कहा है तुझे, हो कोई किसी को न चाहे, और देखिए चाचा चाचा पानी को बंद कर दे और लेंगे मत पानी बंद कर दे। देखिए गीत गीत मेरी तरफ से है इस विष्णु ब्रजवासी की गारंटी है, इस गीत को आप कम से कम एक साल तक याद रखेंगे, इस बात की गारंटी है। क्या बात है, बात तो समय की है। हमारे देश के वीर शहीदों से और वीर जवानों से एक बार सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा, एक बार जितने लोग पांडाल में बैठे हुए मिलकर के एक बार प्यारा सा जयघोष लगाएं, बोलिए भारत माता की जय। धोखे से हमला किया तो हिंदुस्तानी वीर सिपाही कहने लगे वे पाकिस्तानी हो, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सबसे पहले एक जयघोष लगवाना चाहूंगा आपसे, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा है, और एक बार सबकी आवाज आनी चाहिए रूप सिंह भाई के, आपस में भाईचारा है, तुम एक बार सब मिलकर कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। एक बार बैठे बोले भारत माता की जय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा है, और सब एक बार मिलकर कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। अरे अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई, अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई वो नारी नहीं मर्दानी थी, मंच पर कहते भैया अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई वो नारी नहीं मर्दानी थी, और आप तालियों से समर्थन करोगे इस लाइन का, करेंगे करेंगे, वो नारी नहीं मर्दानी थी। एक से गले का पुरस्कार भैया जी की तरफ से बार बार धन्यवाद। अरे नारी नहीं मर्दानी थी, अरे लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। ये जो सम्मान हमें मिल रहा है, देखिए इसके काबिलियत विष्णु ब्रजवासी है तो नहीं, लेकिन इस गांव का क्या मतलब है, भैया जी की तरफ से आप लोगों का प्यार बरसा है। मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजा करके आप लोग हरदर पटेल जी उनकी
तरफ से 51 रुपए और 51 रुपए भैया जी की तरफ से बार बार धन्यवाद। अब हिंदुस्तानी वीर सिपाही कहने लगा, पाकिस्तानियों तुम में से किसकी हिम्मत है, किसकी इतनी औकात है, किसकी मजाल यहां, अरे किसकी मजाल यहां, जो मेरी भारत मां पर आंख उठाए। अभी मैंने गीत गाया खीतापुरा में, वो भी नया गीत, और ये भी आपके श्री चरणों में गीत नया रख रहा हूं। किसकी मजाल यहां, जो मेरी भारत मां पर आंख उठाए। और अगर लाल पसंद आए तो एक एक व्यक्ति की तारीफ करूंगा भारत मां के लिए। अरे और ये क्या मतलब का पुरस्कार, शायद मेरे अंदाज में भौजी हैं, उनकी तरफ से आए, एक बार तालियां बजा के सम्मान दें पवन भाई। किसकी, हमारा मतलब होता है गाने बजाने का, सब गाना बजाना, घास खोदना हमने किसी का उठते। और किसकी मजाल यहां, जो मेरी, और एक से रुपए क्या नाम है ना, हमारे भैया जी की तरफ से मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजा के सम्मान करे पवन भैया। बालक कब कैसे पर जाएंगे, एक आध आए 10-20-50 आ जाए तो पानना पड़ेगी। किसकी मजाल यहां, और ये 500 रुपए का पुरस्कार, ये 500 रुपए का पुरस्कार इन पंक्तियों पर दिनेश ठेकेदार जी की तरफ से आए, एक बार जोरदार तालियां बजा के सम्मान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे किसकी मजाल यहां, भारत मां पर आंख उठाए। लक्ष्मण चाचा गाना आपसे कहते हैं, जनता अगर एक बार बोल जाए और जनता एक एक भूतों पर उठ जाए उसे गाना बजाना कहते हैं, बाकी व्यर्थ का चिल्लाना है, गाना बजाना नहीं है। भारत मां पर आंख उठाए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जो लहर लहर लहरा, किसकी सबसे पहले ये यूट्यूब चल रहा है, इस गांव की जितनी सरदारी खड़ी और बैठी है, आप ईमानदारी आप देख करके बताएं, इस विश्व ब्रजवासी का ये गीत किस किस को अच्छा लग रहा है साहब, आपके चरणों में नमन है। पवन भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा है। अब सुने चाल मैं आपके बीच में रख रहा हूं, गांधी बापू और नेहरू की कहती मुस्कान तिरंगे में, ये तिरंगा इसके लिए न जाने कितने लोग अपनी जान की बाजी लगा देते, ये थोड़े आगे आ जाते। ओ पर एक से एक रुपए सुमती सुमती जाधव जी की तरफ से एक से एक रुपए का पुरस्कार, बार बार धन्यवाद। क्यों आप कहे तो गुरुदेव मेरी बात याद आ रही है, लगा दूं, बिल्कुल लगाओ। अब गाना बजाना सुने आप, भबरी ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। आपकी तालियों के लिए बार बार धन्यवाद। जो जनता में अपना वर्चस्व बना करके जाए, जनता उसे याद रखे, उसे कहते हैं कलाकार। भबरी ने भबरी ने भबरी ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। सुख दुख आए जाए, अरे और ये हमारी मातृशक्ति की तरफ से पुरस्कार, बार बार धन्यवाद।
सुख दुख आए जाए जाए अरे सुख दुख आए जाए सुख की भूख ना दुख की चिंता अपना प्राइवेट सुन रहे भाई दुख की भूख ना सुख की चिंता प्रीत जिसे अपना मंद मंद मुस्काए अरे कहे सो पसंद आ जाए अंतिम गीत मेरी तरफ से एक बार ताली बजा के सम्मान कर देना कहती है सांत रंगे में भारत के बच्चे बच्चे की रहती है सांत रंगे में रहती है सांत रंगे बोलियो भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह भाई वीरों का और ये देखिए पुरस्कार हमारे भैया जी की तरफ से आ रहे हैं 200 एक रुपए का पुरस्कार 500 पहले और 200 फिर से हमारे मेरा नाम क्या है दिनेश ठेकेदार उनकी तरफ से मैं चाहूंगा देखिए ठेकेदार जी का एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करें आप इंकलाब को लाया था देखिए पाकिस्तानी ललित ठेकेदार जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार पाकिस्तानी एक बार जंग में जब जंग छिड़ी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तो पाकिस्तानी एक हिंदुस्तानी का सर काट करके ले गए लक्ष्मण चाचा जी ले गए ले गए एक हिंदुस्तानी का तो पाकिस्तानी सर काट के ले गए और ले जा करके अपने पाकिस्तान में उस सर से फुटबॉल बना करके खेलने लगे हिंदुस्तानी के सर से और उसका अंजाम फुटबॉल बना के खेलते रहे फुटबॉल बना के खेलने लगे पवन भाई तब ताकि एक पाकिस्तान की मां आई जिस मां ने उस पाकिस्तानी को जन्म दिया था एक पाकिस्तानी की मां आई और मां देख करके जब उस सर को फुटबॉल बना के खेलने लगे तो मां देख करके आश्चर्यचकित हो गई पाकिस्तानी हंस करके बोले मां मां हमने एक वीरता का काम किया है हमने ये एक वीरता का काम किया है हमें एक हिंदुस्तानी के सर काट करके लाए हैं और उस हिंदुस्तानी के सर से फुटबॉल बना के खेल रहे हैं उस माने कहा अरे मूर्खो क्या बोलूं उस माने कहा अरे मूर्खो तुम कहते हो तुमने खुशी का काम किया है तुमने पुत्र का काम किया है नहीं तुमने कोई पुत्र का काम नहीं किया तुमने ये हिंदुस्तानी का कटा हुआ सर ये हिंदुस्तानी का कटा हुआ सर ये एक इजाजत दे रहा है इसका साफ साफ नजरिया समझ में आ रहा है हिंदुस्तानी का सर कट सकता है लेकिन कभी झुक नहीं सकता है क्या बता लिया वीरों का सैलाब उमड़ कर इंकलाब को लाया था बंदे मातरम गाते गाते बंदे मातरम गाते गाते मौत को गले लगाया
जी उनकी तरफ से बार बार धन्यवाद। और देखिए इन मात शक्तियों के चरणों में इस विष्णु ब्रजवासी की तरफ से बार बार नमन है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी कलाकार मंच पे गाता है उसको पुरस्कार, एक साइड में अगर आदमी बैठे होंगे और एक साइड में बैठी होंगी औरत, तो जो कलाकार मंच पे गा रहा है आदमी 100-100 के नोट लुटाए देगो, लेकिन जब भैया ने बहुत तगड़ो कोर्चा हो जा कोर्चा में 10 रुपये कोई निकाल ले, वह कलाकार तुम बहुत मान समझ गए, एक बार ताली बजा के सम्मान कर दो जोड़ा चाचा। देखिए बुरा ना माने, ये मेरे एक हंसी मजाक की बात है। दीनों दीनों का से लाभ उमड़ कर इंकलाब को लाया था जो, अरे बंदे मातरम के बंदे मातरम गाते गाते मौत को गले लगाया था। ये सब बोलेंगे, हिंदुस्तानियों तो बोल दिया और पाकिस्तानियों तो चुप रही, तो नहीं सो और नजदीक चले जा माइक लेके नजदीक। हाँ जा रहा हूं। खून बहा कितने वीरों का जब आजादी ला, कनिका एक छोटी सी बिटिया सोकरा उसकी तरफ से 1-1 रुपए का पुरस्कार मैं चाहूंगा बिटिया के लिए, एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग। अरे बंदे मातरम गाते गाते मौत को गले लगाया था, खून बहा कितने पीरों का। कल मैं आवाज से परेशान था गुरुदेव, तब सोटा ही काम निकाल रहा हूँ, अब जब बोल रही है तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ ना, खून बहा कितने पीरों का जब आजादी लाए। और इस नारे पर आप सब बोलोगे, अरे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो लहर लहर, अरे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो लहर लहर हमारे भैया जी की तरफ से बार बार धन्यवाद है। अब सुनो दूसरा बंद, आजादी का के स्वर्ण स्वर्ण निकला साज से पायल के टुकड़े हो गए, ऐसा लगता है लाला कुछ ज्यादा ही घायल हो रहा है। सिंह राजपूत उनकी तरफ से 1-1 रुपए का पुरस्कार चाचा। जहाँ सुनने वाली महफिल मिलती है फिर वहां पर कुछ लगाने का मन करता है, क्या बात के स्वर्ण निकला साज से पायल के टुकड़े हो गए और मंजिल तलक पहुंचे नहीं, मंजिल के टुकड़े हो गए, किसको सुनाऊं आज में इस गमे दिल की दास्तां, इस गमे दिल की दास्तां, इस गमे दिल की दास्तां, और ए वतन के ए वतन तेरी याद में इस दिल के टुकड़े। अब सुने गीत का अंत बंद, देखिए अगर भैया तुम बोर रह रहे हो तो गीत बंद कर दूंगा, गाऊं आ गया आजादी का ये प्रतीक है, कहते इसे आजादी का ये प्रतीक।
प्रतीक है, कहते इसे तिरंगा है। दिनेश ठेकेदार जी की तरफ से मैं चाहूंगा भैया जी का जोरदार ताली बजा के सम्मान करना। और चाचा क्या सम्मान है भैया, दो लाल याद आ रही है, अगर तुम हाथ खड़े करके बताए तो कह दू। अब के हो तो भैया के हो ही। सम्मान मिला मुझको इतना ही हो, कसर न कुछ भी छोड़ी है। सम्मान मिला मुझको इतना, कसर न कुछ भी छोड़ी है। जाए श्री राधे कृष्ण की छोड़ी, राधे कृष्ण की छोड़ी, राधे कृष्ण की छोड़ी। हमारे लक्ष्मण चाचा भी बहुत अच्छा गाते हैं, चाचा जी का जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। ज्यादा मत लगाओ चाचा। फूल सबनम में डूब जाते, मैं जान रहा हूँ अब भी दीवाने लाला ही, हर कोई नहीं गा सके या बेही गा होंगे, है कि नहीं। फूल सबनम में डूब जाते हैं, और जब हम मरहम में डूब जाते हैं, और जब कोई आसरा नहीं मिलता, क्या जब कोई आसरा नहीं मिलता तो हम तिरंगा के गम में डूब जाते हैं। आजा आजा जीता, ये प्रतीक है, कहते इसे तिरंगा। आजा जीता, ये प्रतीक है, कहते इसे तिरंगा। और एक क्या मनोवे का पुरस्कार रूप सिंह भैया जी की तरफ से बार बार धन्यवाद। अरे चारों मजहब, चारों मजहब इसके नीचे बहती यमुना गंगा है। चारों मजहब बहती गंगा मैया मात। और ये नाम से बस हरक्याल पटेल जी उनकी तरफ से क्या मनोवे का पुरस्कार, एक बार तालियां बजा के सम्मान हो रही है एक से ग्रुप में। और देखिए 1000 पहले और 100 फिर से दिनेश ठेकेदार जी अपने भाई के लिए आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, एक बार तालियां बजा के सम्मान दें। ऐसा व्यक्ति कोई कोई होता है जिसके पुत्र बलान दिल तक पहुंचती है। मातृभूमि के इस आंचल में राम श्याम बिरमाए, समय सबके लिए बराबर था और समय बराबर ही रहेगा। मेरी तरफ से गीत का अंतिम बंद देखें। अरे लेकिन हम सब ऐसा समय बन गए, लेकिन हम सब इस झंडे की आन और शान बचाएंगे। क्यों ऐसा समय है बुड्ढे सचे, और आपको यह बताए सच कड़वा होता है। क्या मरवे राजेश सुबेदार जी की तरफ से क्या मरवे बार बार दिल से धन्यवाद। ऐसा होता है जिस टाइम गणतंत्र दिवस का दिन आता है, ये आज का प्रेजेंट का समय। ओम प्रकाश चाचा जी, ओम प्रकाश चाचा, हाँ बात जी अरे, जिस टाइम गणतंत्र दिवस का दिन आता है क्या शहीदों की इमारतें बनवा देते हैं, शहीदों की स्मारक बनवा दी। और जिस टाइम गणतंत्र दिवस का दिन आया उसी दिन मूर्तियों की सफाई कर दी, बाकी न कोई पीछे पूछ न कोई पहले पूछ। क्या बात क्या बात। लेकिन जिस देश के लिए हम कुर्बान हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्यों
अरे लेकिन हम सब इस झंडे की आन और शान बचाएंगे, जो जनगण मन अधि नायक जय है। एक बार जिनको भारत माता से प्रेम उठाए सीधे और मेरे साथ बोले सब, जनगण मन नायक जय है, राष्ट्रीय गान दोबारा बोले, अरे जनगण मन अधि नायक जय है, राष्ट्रीय गान संग हमारे गाए, झंडा लाओ, संग हमारे गाए विजयी विश्व और तिरंगा प्यारा जो लहर लहर लहरा। ये ब्रजवासी आपका बच्चा है, इससे